गाइस, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जानकारी आप तक ये पहुँच सके और बहुत से लोगों को ये पता होगा जो कि हमारे इंडिया के ब्लॉगर हैं, बहुत ही बड़े ब्लॉगर हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो करीम नाटी जी हैं वो अपनी वीडियो में गाली का यूज करते हैं। तो इसका रीज़न यह है कि वो उनको गाली पसंद बहुत ही ज़्यादा है, और अगर वो गाली का यूज़ नहीं करेंगे तो लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो आने वाली जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, अभी वो लोग ऐसी वीडियो देखेंगे तो उन लोगों का माइंड कैसा रहेगा और हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ ऐसी वीडियो मत बनाइए। आप लोग पैसा कमाने के चक्कर में यूट्यूब से आप लोग कुछ भी बोल देते हो। तो मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, अगर वो मुझे कॉपीराइट देना चाहते हैं दे सकते हैं, स्ट्राइक कोई बात नहीं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आप लोग से कि उनकी वीडियो को देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, बस उनसे ये कहिए कि उनको कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि भाई ऐसी वीडियो मत बनाइए, क्योंकि अभी जो नई जनरेशन है, जो न्यू बच्चे हैं, जो हमारे इंडिया के न्यू फ्यूचर है, उनको कैसा लगेगा ये वीडियो देखकर। शायद उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि हम भी यूट्यूब पे आते हैं, गाली वगैरह देते हैं, वो लोग एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं देंगे, अपनी शिक्षा पे ध्यान ही नहीं देंगे। तो आप लोग से यही कहना चाहता हूँ मैं बार बार, तो आप लोग उनकी वीडियो पर जाइए, कमेंट कीजिए, भाई अब गाली की वीडियो बहुत हो चुकी है। आज के समय में हर बच्चे के पास मोबाइल है, चाहे वो 15 साल का हो चाहे 12 साल का हो। अगर कभी भी उनके ब्राउज फीचर में उनकी वीडियो आती है तो उनकी जो वीडियो होती है एक तो कॉमेडी होती है और साथ में मिक्स होती है गाली वगैरह से, तो बच्चों को तो ज़रूर अच्छी लगेगी और वो बच्चा नया गाली सीखेगा और उनका माइंड, जो बच्चों का माइंड होता है, यानी कि जो बोल सकते हैं वो नया, यानी कि न्यू ब्रांच होती है जो बच्चों के माइंड की। अगर न्यू ब्रांच ऐसी हो जाएगी तो बाद में तो प्रॉब्लम हो जाएगी और वो पढ़ाई की वगैरह से वो दूर हट सकते हैं और हमारे जो कंट्री है उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो बस मैंने आपको ये छोटी वीडियो के द्वारा में बताई कि उनकी जो वीडियो होती है बच्चों पर प्रभावित होगी, इफेक्ट करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को, और अगर चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करें। तो बस मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि करीम नाटी जी के बारे में वीडियो बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े ब्लॉगर हैं और बस उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे इंडिया में जितने बच्चे हैं अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो गाली वगैरह की, तो शायद वो कुछ गलत सीखेंगे। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मेरा एक भाई है छोटा, उसकी ब्राउज फीचर में ये वीडियो गई करीम नाटी जी की, तो उसमें गाली वगैरह जरूर रहती है। अगर आप लोग देखोगे तो उनकी वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा रहता है जो कि बच्चों के लिए नहीं रहता है, जैसे गाली वगैरह हो गया। तो इसी तरह जैसे मेरे भाई के मोबाइल में गई, और भी ऐसे बच्चे हैं छोटे छोटे जो कि वीडियो देखते हैं और हो सकता है उनके ब्राउज फीचर में चली गई हो। अगर एक बार वो देख लिए तो हमेशा अगर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उनके ब्राउज फीचर में जाएगी, जिससे उनको लत लग जाएगी देखने के लिए, तो उनका माइंड अच्छे से नहीं काम करेगा। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।